मैम, मैं एक क्वेश्चन आपसे राम मंदिर के विषय में पूछना चाहूँगा। आज राम मंदिर की सुनवाई चल रही थी, चौंतीसवें दिन की सुनवाई थी, जिसमें मुस्लिम पक्षकार की तरफ से नज़ीर पाशा ने कहा कि बाबर जब भारत आया वो तब वर्चस्व में था, किसी की सुन नहीं रहा था, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो उसने कोई गलत नहीं किया। इसको ये आपके नज़रिए में कैसा है? देखिए, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना ये इस्लाम की जो हमारी धार्मिक आस्था है उसके ख़िलाफ़ है। आप किसी का की जगह पे हटाकर आप मंदिर, मतलब आप गैर कानूनी तरीके से बनाई हुई जगह पर आप इबादत नहीं कर सकते, अफजाई हुई चीज़ पर इबादत नहीं हो सकती, तो वो तो इस्लाम जो हमारी धार्मिक आस्था है उसके ख़िलाफ़ है। तो वो तो बात ही एक जो हमारी इस्लाम के ख़िलाफ़ है वो करें, तो वहाँ पर मंदिर मस्जिद बनी कैसे सकती है? आप मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ली, वो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया वहाँ पर, तो वो खुद ही अब अपनी बात में खुद ही फंस रहे। और वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट के आगे ये केस है तो जो फैसला होगा वो हमारे देश की जनता को मानना होगा और मानेंगे। मैम, एक बात और उन्होंने कही कि ये निर्मोही अखाड़ा का जो मामला है, निर्मोही नाम है, इनको इनको ज़मीन से हिंदुओं को, वो हिंदू पक्षकारों को बोल रहे थे मुस्लिम पक्षकार, ये निर्मोही हैं और इनको ज़मीन का मोह है, इनको ज़मीन का मोह छोड़ देना चाहिए। मोह जमीन का नहीं है, यहाँ के लोगों की आस्था है राम जन्मभूमि में, तो उस पर मोह राम जन्मभूमि का है ना कि जमीन का। जमीन का मुद्दा मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, तो ये बात तो उन पर भी अप्लाई होती है कि आपको क्यों इस बात का मोह है। तो दोनों पे आप वो बात ना बोले, फैसला कोर्ट करेगी और फैसला उन्हीं को लेने देना चाहिए, ना कि आप किसी पे इस तरीके से पर्सनल कमेंट करेंगे। लेकिन मैम, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि 18 अगस्त से पहले दो पक्षकार अगर चाहें तो अपने संबंध सुधार कर मंदिर बनवा सकते हैं या मस्जिद बनवा सकते हैं, इसको लेकर आज राम जन्मभूमि के पक्षकारों ने कहा है कि हम इस पर कोई भी बैठक नहीं करना चाहते, कोई भी समझौता नहीं करना चाहते, सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फैसला करे क्योंकि समझौता नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, देखिए समझौता होना होता तो इतने सालों में हो गया होता। अब जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है तो उससे हालात देखने में नहीं नजर आते कि वो समझौते के लिए कोई भी पक्ष तैयार है। तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करे और लोग तभी मानेंगे क्योंकि कोर्ट द्वारा फैसला किया गया। इस तरीके से वो ईगो क्लैश बनाकर वो नहीं मानेंगे, फैसला कोर्ट को ही करना होगा और फैसला कोर्ट का ही सर्वमान्य होगा।